जिंदगी एक कमजोर डोर की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि उन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, और जो खामोश रहता है वो सलामत रहता है, और जो अच्छा काम करता है वो गनीमत पाता है, और जो बुरा काम करता है वो गुनाहगार होता है, और जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता वो नादिम होता है। जब अल्लाह को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। इंसान जब सब्र कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उसे तोड़ नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तीन तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों की शर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयां फैला दें। हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। हमें उसी से डरना चाहिए जिसके हाथ में हमारी तकदीर का कलम है। हमारी तकदीर का कलम लोगों के नहीं, अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया तो बिला झिझक कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी है। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेते हैं, बस ऊपर ही नहीं देखते। लोगों को फायदा ना पहुंचा सको तो नुकसान भी ना दो, खुश ना कर सको तो रंजीदा भी ना करो, तारीफ ना कर सको तो गइबत भी ना करो। तुम जिस भी जगह पर हो अल्लाह की मर्जी से हो, तुम्हें कोई भी वहां से नहीं हटा सकता। इसलिए दिल से दुनिया का खौफ निकाल कर एक अल्लाह पर भरोसा करो। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ अपने रब की बारगाह में रोया करो, क्योंकि ये वो जगह है जहां ना जताया जाता है, ना माजी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है। बस रहम और करम के पर्दों में हम गुनाहकारों को ठांप लिया जाता है। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है उनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोजा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं, बल्कि कम तोलना, रिश्वत लेना, इंसाफ ना करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना, किसी को ना हक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाज में कहूं तो मामला हुकूकुल इबाद का था। अल्लाह तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में भी, तो क्यों परेशान हो हीरे मोती के चक्करों में। उड़ जाओ आसमान में या लगाओ गोता समंदर में, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तुम्हारे मुकद्दर में। अपने हर अमल से पहले अपनी नियत का रुख दुरुस्त कर लीजिए, उसे अल्लाह के लिए
खास कर लीजिए, क्योंकि दुरुस्त सिमत ही दुरुस्त मंजिल तक ले जाती है। नेक नियति का रास्ता खैर का रास्ता है, जो सीधा रब की रजा से जाकर मिलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह को सुनाई देता है। किसी को तोहफा दो तो खलूस और एतबार का दो, उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज महंगी नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की उम्मीद नहीं होती। सही मानों में भी नेक वही है जो तन्हाई में भी नेक हो। जब आदमी नमाज में होता है तो गोया वो अपने बादशाह का दरवाजा खटखटा रहा है, और जो मुसलसल अपने बादशाह का दरवाजा खटखटाता है तो वो दरवाजा एक दिन खुल ही जाता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक मिलेगा। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। जिंदगी एक कमजोर डोर की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब है, कोशिश करें कि उन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, और जो खामोश रहता है वो सलामत रहता है, और जो अच्छा काम करता है वो गनीमत पाता है, और जो बुरा काम करता है वो गुनाहगार होता है, और जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता वो नादिम होता है। जब अल्लाह को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है।